हेलो प्यारे विद्यार्थियों समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आज हम बात कर रहे हैं ओ सी आर फॉर्मेटिव असेसमेंट नाइन की बात करेंगे यानी जानेंगे इनके आंसर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शुरुआत करते हैं टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यानी अपने से को इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है जो अपना सही होता है जैसे आई एम इन दम्पिटिशन टूडे आज हमारे स्कूल में इन द कम्पिटिशन आज कंपटीशन है तो क्या होगा तो ये कह रहा है कि यानी यानी आज जो उसमें आप हार गए, जीत गए या आपने पार्टिसिपेट किया आप फर्स्ट टाइप तो देखो एम लगा है, तो इसका मतलब आई फॉर्म आएगी तो आई एम पार्टिसिपेटिंग अपना पार्टिसिपेटिंग आज जो कॉम्पिटिशन था उसमें पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू एस यानी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी से रिलेटेड नहीं है जो अपने में जो अपने स्कूल में कमेटी होती है उससे रिलेटेड नहीं है तो इसमें से कौन सी है जो रिलेटेड रिलेटेड नहीं नहीं है तो SMC से related नहीं है तो से जैसे मॉनिटरिंग होता है अटेंडिंग मीटिंग होता है मैनेजमेंट होता है टीचिंग इन क्लास यानी टीचिंग क्लास क्या है वो एस एम सी से रिलेटेड नहीं होती है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेक्शन ट द सेंटेंस सी वॉन्ट टू रीड यानी वह पढ़ना चाहती है स्टोरी बुक और मैगजीन यानी स्टोरी बुक भी पढ़ना चाहती है और मैगजीन भी पढ़ना चाहती है एंड तो नेक्स्ट तो है विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस डू यू वॉन्ट मी टू कीप योर बैग यानी अब यहाँ पे वो कहता है डू यू वॉन्ट क्या तुम चाहते हो keep your bag, तुम्हारा बैग कहां रखोगे तो हो जाएगा अपना वेयर वेयर डू यू वांट तो इसका आंसर अच्छा हो जाएगा यानी यानी क्या क्या आप तो आप क्या आप चाहते चाहते हैं हैं कि कि मैं मैं आपका आपका बैग बैग रखूं रखूं तो इसमें करना है ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब मुकेश टू बी यस्टरडे की बात कर रहे हैं गॉन वेंट विल गो तो गो क्या वेंट होता है यानी क्या होती है went. तो अपन मुकेश वेंट टू बी कान ये नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज करेक्ट द गिवन सेंटेंस तो आई टू दैंक टूमोरो विल गो आई विल गो टू दैंक टूमोरो नेक्स्ट है रीड दिवन ओन मास्टर्स एंड लीव इन दोल्ब्स टू डू यानी जो डॉग है वो अपने मास्टर के साथ क्या रहता था yani wolves के, साथ, के साथ रहता था इन फ्रीडम अपनी आजादी से अंटिल ए डॉग वॉज बोर्न हु वे ऑफ लाइफ और वो क्या है जन्म हुआ तो वह बहुत ही क्या था? इल था बीमार था ही वॉज सिक एंड ट्राइड टायर टू विंग अबाउट बाई हिमसेल्फ खुद से इतना कमजोर हो चुका था थक चुका था लुकिंग फॉर फूड इन एंड बींग फ्राइटन ऑफ दो स्ट्रॉन्गर देन ही यानी वह यानी फूड की तलाश में यानी फूड की सर्च के अंदर इधर उधर घूम रहा था यानी भय भी था ताकि वो सोच रहा था कि मेरे को कोई अच्छा सा यानी स्ट्रोंग सा आदमी मिल जाए कोई मेरा वो मालिक मिल जाए ही थोड़ा सोचता इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ओन अर्थ यानी जो पृथ्वी पर सबसे जो ताकतवर होगा मैं उसके साथ क्या करूँगा रहूँगा एंड ही सेट आउट द फाइंड सच है मास्टर और उसने आखिर में अपने मास्टर को खोज लिया ही वॉकड एंड वॉकड उसके साथ चलता गया एंड ही ही मेट ए किंगस मैन ऑफ इज ए बिग हु हैज द स्ट्रॉन्ग एज इफ द फायर्स वेयर आर यू गोइंग डॉग अब वो कुत्ता पूछता है कि नहीं वो जब कोई उसके सामने से कोई आ रहा होता है तो वो छुप जाता है तो वो कुत्ता पूछता है वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ चलेगे द वोल्फ आज कर वोल्फ ने पूछा आई एम लुकिंग फॉर सम वन टू टैक अप सर्विस विद यानी वुड यू टू मे द मास्टर वोल्फ यानी वो वोल्फ को देखकर क्या हो जाता है यानी छुप जाता है तो वो कहता है कि मैंने आपकी अब सर्विस में छोड़ रहा हूं आपके साथ नहीं रहूंगा इस तरीके से ये पैसेज है आपकी बुक से ही लिया गया है यानी ये शायद छठी क्लास की बुक से लिया गया है अब है द डोग वर सिक एंड टायर्ड ऑफ अब वो यानी क्यों मतलब बीमार और थक गया था क्यों थक गया था क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो लुकिंग फॉर फूड होम डिड द डोग आस्क टू बी हिज मास्टर यानी वो किससे कहता है कि आप अब मेरे मास्टर बन जाओ तो वो कहता है वॉल्फ से नेक्स्ट है द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन इन द एज सेम यानी सिक का मतलब होता है बीमार यानी इल तो सेम वर्ड पूछा है तो हो जाएगा इल द वर्ड किन्स मैन इज द पैसेज वुड मीन्स एज द सेम एज यानी इसके जैसा सेम कौन सा है यानी किन्स मैन का मतलब क्या होता है रिलेटिव तो अपना हो जाएगा मैन यानी रिलेटिव आई होप कि आपको अच्छे से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नाइन अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू